नमस्कार किसान भाई, राम क्लास में प्रताप गोबलोसिलमा सबका स्वागत है। आज किसान भाई हम बात करने वाला हूँ डीएनए क्वालिटी प्रोडक्ट दामनी धान की। इसकी किसान भाई पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि कितना जो है विश्व में कितने बीघा के लिए कितना नर्सरी हमें बीज का डालना चाहिए, धान कैसा है और पैदावार में कैसा देता है, कितना दिन में पककर तैयार होता है, इसकी कीमत क्या है, नर्सरी डालना है तो हम कितना विश्व के लिए नर्सरी डाल सकते हैं, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर किसान भाई हम बात करते हैं इस डीएनए दामनी धान का, तो इसका जो बीज का नाम है डीएनए दामनी धान ही इसका नाम है। अगर हम बात करते हैं कि धान कौन सा है, तो ये धान किसान भाई पतला धान है, यानी महीन चावल जिसे कहते हैं, बिल्कुल महीन चावल है और खाने में भी बहुत बढ़िया है। काफ़ी लोग जो है इसकी पसंद करते हैं और इस धान की रोपाई भी करते हैं। अगर किसान भाई हम बात करें कि हमें एक बीघा खेत में इस वैरायटी की अगर रोपाई करना है, तब हमें जो है कितना बीज मात्रा लगेगा, तो एक बीघा रोपाई के लिए लगभग 5 से 6 किलो लग जाता है धान। और अगर हम बात करें किसान भाई कि ये पैदावार कैसा देता है, तो पैदावार में काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर देखने को मिलता है किसान भाई की महीन चावल जिसे पतला चावल कहते हैं, इसकी अगर पैदावार जो है थोड़ा कम रहती है, फिर भी इसमें पैदावार बहुत ज़्यादा कम नहीं है, 14 से 15 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से पैदावार देता है। तो काफ़ी बढ़िया पैदावार कह सकते हैं, क्योंकि महीन चावल काफ़ी बढ़िया चावल माना गया है और इसकी जो है कीमत भी मार्केट में ज़्यादा मिलती है और खाने में भी हमें बहुत बढ़िया लगता भी है। अगर हम बात करें कि पक करके कितने दिन में पूरी तरह से तैयार होता है, तो इसका जो इस वैरायटी का डीएनए दामनी वैरायटी का जो धान है, इसका अगर पकने का जो समय है 125 दिन से लेकर के 130 दिन में पूरी तरह से पक करके तैयार हो जाता है। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं वीडियो में, इसी तरह से पूरा पक करके बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई देता है। अगर किसान भाई हम बात करें बीज की कीमत क्या है इसकी, तो 100 रुपया से लेकर के 110 रुपया इसका प्राइस है प्रति किलो के हिसाब से। और अगर नर्सरी आप डालना चाहते हैं अपने खेत में एक बीघा धान की रोपाई के लिए, लगभग किसान भाई एक बिस्वा खेत में आपको नर्सरी डालना होगा, तब जो है आपके जो भी एक बीघा खेत है उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है धान की नर्सरी तैयार हो जाएगी रोपाई करने के लायक। तो किसान भाई हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक किसान भाइयों वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करें और किसानों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें।